नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर। मल्टीटास्क वर्कर भर्ती में आपसे एक जरूरी बात कहना चाह रहा था। बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे हैं, बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि सर भर्ती कब से शुरू हो रही है, हमें दूरी प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, कोई बोल रहा है सर फॉर्म कहाँ जमा करवाने हैं। ये सारे प्रश्न मैंने इस वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश की है, तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखें, तभी सारी स्थिति आपको समझ में आएगी, आपके सारे डाउट क्लियर हो पाएंगे। इससे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, मल्टीटास्क वर्कर भर्ती में जो 30 नवंबर को कैबिनेट मीटिंग में डिसीजन लिया गया था कि 7 दिन के अंदर भर्ती प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा, भर्ती के लिए एक डेडलाइन तय कर दी गई थी। लेकिन उसके तुरंत बाद हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया, जिसके बाद मुख्यमंत्री अनुशंसा पर जो भी पद भरे जा रहे हैं उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उन पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं कि सरकार अपने चहेतों को नौकरी देना चाहती है। अभी हाल ही में हाई कोर्ट ने मंडी के एक केस में भर्ती को रोकने के लिए कहा था, जिसकी सूचना मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दे रखी थी। हालांकि रूल 18 के तहत ध्यान रखने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री अनुशंसा पर जो भी पद भरे जाएंगे उनमें भी योग्यता पैरामीटर को पूरा करने वाले कैंडिडेट को ही प्राथमिकता मिलेगी, यानी कि योग्यता पैरामीटर को पूरा करना अति आवश्यक है। मुख्यमंत्री जी के पास जो भी आवेदन आएंगे उनकी सत्यता की जांच भी एसटीएम आधारित कमेटी करेगी कि कहीं किसी आवेदक ने कोई गलत जानकारी तो नहीं दी है या फिर कोई गलत तथ्य तो नहीं पेश किए हैं। तथ्यों को जांच करने के बाद ही नियुक्ति दी जाएगी। सबसे जरूरी बात यह है कि अभी आप अफवाहों से बचे रहें, किसी भी कार्यालय के चक्कर बार बार ना काटें। अगर किसी कार्यालय की आप बार बार चक्कर काटेंगे तो भ्रम की स्थिति पैदा होती है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमें दूरी प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप घबराएं नहीं, अभी नोटिफिकेशन नहीं हुई है, नोटिफिकेशन होने दें, शीघ्र ही बड़ी अपडेट होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई अपडेट की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अभी अफवाहों से बचे रहें, किसी भी कार्यालय के चक्कर बार बार ना काटें, इसमें सभी को समस्या हो रही है और एक भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है।